असलकम डियर स्टूडेंट्स इस सेशन में हम सर्विस सब्सिडाइजेशन या कमर्शलाइजेशन मॉडल की एक रियल लाइफ एप्लीकेशन या केस स्टडी का जायज़ा लेंगे ये केस स्टडी लैटिन अमेरिका से है ब्राज़ील से प्रिसाइजली ब्राज़ील की नेशनल एसोसिएशन ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव्स एक ऑर्गेनाइजेशन है एक कोऑपरेटिव है चोकि ब्राज़ील के ऐसे इलाकों में काम करती है जहाँ पे इलिट्रेसी रेट्स जो हैंज़ हाई एज़ एटी परसेंट ऑफ़ द पापूलेशन मतलब 80% फ़ीसद जो है वो इिट्रेट है उनके पास तालीम की सहूलियात नहीं है। एन सी एसोसिएशन जो है वो इन लोगों को लिट्रेसी और एजुकेशनल फैसिलिटीज़ फ़राहम करती है बच्चों के लिए एडल्ट्स के लिए कम्युनिटी मेंबर्स के लिए ये उनका मिशन या सोशल प्रोग्राम या सोशल सर्विस है इस प्रोग्राम को उसके लिए वो ज़ाहिर टीचर्स ट्रेनिंग करते हैं ऐसे इलाकों में जहाँ स्कूल्स नहीं हैं स्कूल या अल्टरनेटिव एजुकेशन के जो मोड्स हैं वो इंट्रोड्यूस कराते हैं बच्चे जो स्कूल में इनरोल नहीं हैं उनकी एनरोलमेंट का इंतज़ाम करते हैं या उनको किसी ना किसी प्रोग्राम में शामिल करते हैं कम्युनिटी मेंबर्स की एजुकेशन जैसे पेरेंट्स की एजुकेशन के बच्चों के लिए लिटरेसी एजुकेशन क्यों ज़रूरी है वो सारी एक्टिविटीज़ करते हैं जिससे लिटरेसी रेट को बेहतर किया जा सके इस काम के दौरान ऑर्गेनाइजेशन ने इस सोशल एंटरप्राइज़ ने नोट किया कि कम्युनिटी में जो एक्टिविस्ट हैं जो लीडर्स हैं कम्युनिटी लीडर्स वो मुख्तलफ़ सोशल कोजेस के लिए जो काम करते हैं तो उनकी लीडरशिप ट्रेनिंग उनकी ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी बिल्ड करने के लिए कोई मटेरियल मौजूद नहीं है कम्युनिटी एक्टिविस्ट उनके पास आते हैं क्योंकि वो एजुकेशन और लिटरेसी का, का काम कर रहे थे कि आप हमें बताएं आप हमारी ट्रेनिंग करें लीडरशिप की ट्रेनिंग करें हम हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन हमारी जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के हवाले से हमें कोई चीज़ दें कोई मटीरियल्स दें सोशल एंटरप्राइज के पास ऐसी कोई चीज़ नहीं थी लेकिन उन्होंने इस नीड को आइडेंटिफाई करने के बाद फैसला किया कि चूंकि वो ऑलरेडी लिटरेसी और एजुकेशन सेक्टर में ही काम कर रहे हैं और उनके लोगों की कैपेसिटी है करिकुलम डेवलपमेंट की और कोर्सेज को बनाने की और सलेबस करने की डेवलप तो क्यों ना वो ये काम करें सो so उन्होंने जो लोकल लेबर मूवमेंट के लीडर्स थे उनके लिए एक ट्रेनिंग डेवलप की उसका करिकुलम डेवलप किया उसके लिए मटेरियल्स डेवलप किए उनकी लीडरशिप उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए मटेरियल डेवलप करके दिया और उस मटेरियल को एक्चुअली इम्प्लीमेंट किया ट्रेनिंग की और उसका जो रिज़ल्ट आया उससे उन्हें अंदाजा हुआ ऑर्गेनाइजेशन को सोशल एंटरप्राइज को कि इस काम की एक्चुअली बहुत डिमांड है ना सिर्फ लेबर लीडर्स जो हैं लेबर मूवमेंट के लीडर्स उन्हें इस किस्म की ट्रेनिंग्स और कैपेसटी बिल्डिंग की ज़रूरत है बल्कि फार्मर्स और मुख्तलिफ सोशल मूवमेंट्स और जो कम्यूनिटी के ग्रुप्स हैं उनके लोग उनके पास आए और उन्होंने स्पेसिफिक अपनी नीड्स और अपने काम और अपने कॉज के हवाले से मटेरियल की डिमांड करना शुरू कर दी सोशल एंटरप्राइज ने उनका मेन काम जो है याद रहे उनका मिशन जो है वो बच्चों के लिए लिटरेसी और एजुकेशन फैसिलिटीज़ हैं लेकिन उन्होंने इस काम को करना शुरू कर दिया और इतना उनका काम जो है वो बड़ा डिमांड इतनी ज़्यादा इस किस्म के मटेरियल्स की हुई कि इवेंचुअली उन्होंने अपनी एक सब्सिडरी कायम की एक प्रेस अलीदा से इस्टेब्लिश किया जो कि सिर्फ इस किस्म के मटेरियल्स को डेवलप प्रिंट सर्कुलेट डिस्ट्रीब्यूट करता था इस प्रेस का नाम एडिटोरा एक्सप्रेस सो पॉपुलर यानी पॉपुलर एक्सप्रेशन प्रेस रखा गया क्यों के लोगों की जो पॉपुलर एक्सप्रेस नीड्स हैं लीडरशिप कैपेसिटी बिल्डिंग एक्टिविज्म सोशल चेंज के हवाले से उनके ऊपर वो करिकुलम डेवलप करते थे उनके मैनुअल्स जर्नल्स स्टोरी बुक्स ट्रेनिंग मटेरियल्स मुख्तलिफ किस्म के जो रेगुलर सीरीज मोनोग्राफ्स की और इस किस्म की चीज़ें उन्होंने रेगुलर बेसिस पे पब्लिश करना शुरू कर दी और उनको पूरे ब्राज़ील में और फिर अब इंटरनेशनली दुनिया भर में स्टोर्स पर वेबसाइट्स पर ये मटेरियल जो हैं वो रेडीमेड अवेलेबल हैं अब किसी को आ के ऑर्गेनाइजेशन को नहीं अपनी स्पेसिफिक नीड बताना पड़ती बल्कि उनके ऑलरेडी जो मटेरियल वो सारा टाइम जो उनके स्टाफ के पास उनके एक्सपर्ट्स के पास टाइम होता है उसमें लिटरेसी और चिल्ड्रंस एजुकेशन के बाद वो इस किस्म के मटेरियल्स डेवलप करते हैं नए नए टॉपिक्स इंट्रोड्यूस कराते हैं नई नई मोनोग्राफ़ सीरीज़ और जर्नल्स वगैरह शुरू करते हैं और उनको सर्कुलेट कर देते हैं और लोग अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसकी रिसेप्शन जो है वो बहुत अच्छी है इससे डिमॉन्सट्रेट होता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन ने इस सोशल एंटरप्राइज ने अपने मिशन को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जो चिल्ड्रन का लिटरेसी का प्रोग्राम है वो उसी तरह चल रहा है लेकिन उनको जो करिकुलम डेवलपमेंट, एजुकेशन और ट्रेनिंग की स्किल्स उनके स्टाफ के पास थी उसको यूटिलाइज़ करते हुए उन्होंने ये एक प्रेस की सब्सिडरी एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, सब ऑर्गेनाइजेशन जिसको आप कह सकते हैं वो शुरू की जो के कम्युनिटी की पॉपुलर नीड्स जो हैं मटेरियल और ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग की उनको एड्रेस कर रहा है ऑन गोइंग बेसिस पर जो नए नए इश्यूज इमर्ज होते हैं जो नई नीड्स आती हैं एंटरप्राइज उसको कैटर करता है और वो मटेरियल डेवलप करके आप कमर्शियल बेसिस पे दुनिया भर में स्टोर्स और वेबसाइट्स में वो अवेलेबल है इस तरह वो एक महज़ एक लिटरेसी का सोशल सर्विस देने वाली ऑर्गेनाइजेशन से बढ़कर अब एक सोशल चेंज की जो मूवमेंट है उसमें शामिल हो गए हैं एक तरह से उस सोशल मूवमेंट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं थैंक यू